गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने ये देखा था ना कि चार एक्सप्रेशन मैंने लिखवा दिए थे। करंट का मैंने लिखवाया, पहले तो मैंने लिखवाया था वीडी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखवाया, फिर मैंने करंट का फॉर्मूला लिखवाया, फिर मैंने उसपे से लिखवाया था रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, है ना। और उसपे उसके बाद मैंने लिखवाया था इसका एक्सप्रेशन मोबिलिटी का। ये चार चीजें हमने लिखी थी, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसमें से घुमा फिरा करके ना बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अभी जैसे एक दो क्वेश्चन मैं और देख लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन ना मैं करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं बताया था 2014 में ऐसा सवाल आ चुका हुआ है, ठीक है। बोला गया है कि एरिया ऑफ द कंडक्टर हमको दिया गया है, ठीक है, 10^-7 मीटर स्क्वायर। करंट कैरी कर रही है 1.5 एम्पियर। डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमको दी गई है 9×10^28। तो हमसे पूछा गया ना कि बताओ यहां पे एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहां पे समझो कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I=NeaVd होता है, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ऐसे भी पता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूला उसके लिए याद होना चाहिए। क्लियर होगी बात सबको इतनी, कि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे तो उसको हम लोग कर सकते। तो कितनी बार मैं भेजूंगा ना क्वेश्चन पेपर, तो रियलाइज करोगे कि कितनी बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछ चुके हो गए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये देखो, जितने भी उसके मैंने सब कुछ मैंने पढ़ा दिया उसको, ठीक है। मतलब जो भी चीज आने वाली थी वो मैंने सब पढ़ा दी, उसके मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू सरफेस थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी का सिंबल हो जाता है जे, जे इक्वल टू आई बाय ए, ठीक है। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, करंट बाय एरिया। याद रखना है जो करंट डेंसिटी होती है ना, ठीक है, इसकी क्या क्या बातें होती है। पहली बात, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फिर मैं बात कर, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद याद रखना, जैसे कि मान लो अगर यहां पे सरफेस अगर ऐसा है, ठीक है, करंट ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया इसका, करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो जे क्या हो जाएगा हमारा, आई बाय ए हो जाएगा। अगर करंट मान लो सरफेस ऐसा है, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन जो है ना फ्लो करने का वो कुछ इस तरह का है, ये ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं,
करंट डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए ना करंट को डिवाइड कर दे एरिया का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो यानी कि करंट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो तो हिस्सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई कॉस थीटा हो जाएगा। तो जे क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, एरिया क्या लेंगे, एक करंट नहीं लेंगे, एरिया का वो कंपोनेंट लेंगे ठीक है जो कि करंट के परपेंडिकुलर हो। नहीं नहीं एक मिनट रुको, ऐसा करते हैं, एक मिनट रुको, ये अगर एरिया ऐसा है ठीक है, का एरिया ऐसे जा रहा है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इसके बीच का थीटा हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा ठीक है। जे क्या हो जाएगा, आई अपॉन एरिया क्या लेना है, एरिया का वो कंपोनेंट लेना है जो कि करंट के अलोंग। तो आई क्या हो जाएगा हमारा, जे ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसी में आई क्या हो गया हमारा, जे डॉट ए हो गया ठीक है। आई क्या हो गया, जे डॉट ए। देख लो एरिया कौन सा लेना है, अगर मान लो एरिया ऐसा सरफेस है ये तो परपेंडिकुलर टू वो हो जाएगा ना, या ऐसा बोल सकते हैं करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर या अलोंग द, एक काम करो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, फ्लोइंग अलोंग एरिया वेक्टर ठीक है, अलोंग एरिया वेक्टर ठीक है, थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। तो ये अलोंग एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का ऐसा डेफिनेशन बन जाएगा। एक देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, लोगों ने लिखी है एक मिनट में कंटिन्यू कर रहा हूं। एक मिनट उसको ना लास्ट पे देख लेते, इसको छोड़ देंगे, इसको मैं लास्ट पे करवा दूंगा, ये कंफ्यूजन होगा। एरिया ये जो है ना, ये टॉपिक मैं एकदम लास्ट पे ले लूंगा। अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ ठीक है, उसके बाद हम लोग वो पढ़ लेंगे। ठीक है देखो ओम्स लॉ ये क्या कहते हैं, ओम्स लॉ क्लास 10th में पढ़ा भी है ठीक है। ओम्स लॉ क्या था कि एट टेम्परेचर एंड एट ऑल अदर फिजिकल कंडीशंस कंडीशन रिमेनिंग कांस्टेंट constant the current flowing through conductor
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीडी अक्रॉस इट सेट going through conductor PD across its ठीक है। देखो ये सीधी सी बात है, ओम्स लॉ की अगर बात की जाए ना, तो मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, ये वैसे तुम लोग का पूरा पढ़ा हुआ ही है। मान लो यहाँ पे ऐसे करके कोई ट्यूब है, ठीक है, तो यहाँ से इस ट्यूब से क्या पानी का फ्लो होता है, और यहां पे ना ऐसे पंप लगा हुआ है, यहां पे ऐसा क्या लगा हुआ, पंप लगा हुआ है, और ये जो पंप लगा है ना, ये पंप की खास बात क्या है कि ये पंप फोर्स अप्लाई करता है, इससे पानी फ्लो करता है पाइप पे। जितना ज्यादा ये पंप लगाएगा फोर्स, पानी उतना तेजी से फ्लो करेगा। मान लो पंप का फोर्स है 100, यहां से पानी का फ्लो होता है 100 लीटर पर सेकेंड, पंप का हमने कर दिया 200, ठीक है, पानी फ्लो करता है 200 लीटर पर सेकेंड, हमने 300 कर दिया, पानी फ्लो करता है 300 लीटर पर सेकेंड। तो एक बात समझो कि जितना ज्यादा ये पंप फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, यहां से जो पानी का जो फ्लो का रेट होगा वो उतना ज्यादा होगा रेट। तो यहां पे मोर द पावर मोर इज द रेट, रेट को ना मैं क्यू से दिखा देता हूं, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो। दूसरा हमने हमने दूसरा ऐसा करके सिस्टम लिया, उसमें अगर हमने पंप लगाया तो उसमें हम 100 लगाते थे, तो यहां पर पानी फ्लो करता था 50 लीटर पर सेकेंड, हम 200 किए, यहां फ्लो करता था 100। इसमें भी देखो यहां पर क्या है, यहां पे हमने कर दिया 300, यहां पे करता है फ्लो 150 लीटर पर सेकेंड, यहां पे 100 किया 200 किया 200, 300 किया 300, ऐसे करके यहां पे भी 100 बढ़ाने से यहां पे भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पे 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 होता है। यहां पे अगर हमने देखा, यहां 100 से 50, फिर 100 से 200 में 50 हुआ, 200 से 300 में 50 हुआ, इंक्रीमेंट उतना ज्यादा नहीं हो रहा है दूसरे पाइप में, ठीक है, ऐसा सिस्टम एक पाइप का और बनाया गया उसपे इतना नहीं कर रहा। तो इसपे भी हमने क्या बोला, प्लीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, सेकेंड पाइप पे भी, ठीक है, ये भी ऐसा डायग्राम यहाँ बना देंगे फोटो कॉपी करके। तो एक चीज समझ में आ रही, प्लीज प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो पी इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने अब यहाँ पे क्या किया, प्रोपोर्शन हटाया, यहाँ पे लिखा आर क्यू, ये जो R है वो क्या बन गया, वो बन गया इस पाइप का रेजिस्टेंस। यहां पे भी मैंने लिखा P इक्वल्स टू आर क्यू, ठीक है, ये R डैश क्या बन गया, रेजिस्टेंस। देखो फॉर्मूला लॉ दोनों में सेम है, P इज प्रोपोर्शनल टू Q, P इज प्रोपोर्शनल टू Q, लेकिन ये वाले पाइप में, यहां वाले जो पाइप होगा जो मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, उसमें क्या चीज ज्यादा आ रही है, उस पर रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, है ना। इसका अगर मैं आदर्श निकालू तो 100/50 हो जाएगा वो, दैट इज 2। इसमें अगर मैं निकालू आर, तो पी क्या है यहाँ पे 100/100, दैट इज 1 आएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कैसा है, ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो यहां पर क्या बोला गया, जैसे इस पाइप में क्या होता है, इस सिस्टम में मोर द पावर मोर द रेट ऑफ फ्लो, इन द सेम वे कंडक्टर्स में भी ये पंप के बदले क्या होती है, वहां पे बैटरी होती है, ठीक है, और यहाँ पे पानी के फ्लो के बदले क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। और जैसे यहाँ पे पानी पाइप रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वहां पर भी रेजिस्टेंस ऑफर होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई, तो यहाँ पे, लेकिन ओम्स लॉ में समझना क्या क्या चीजें हैं। ओम्स लॉ में एक बात तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मतलब वायर का लेंथ नहीं बदलना चाहिए, वायर का एरिया नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो करंट फ्लोइंग कैसे होता है, प्रोपोर्शनल टू पीडी अक्रॉस इट्स एंड होता है। तो हम यहां से क्या ले सकते हैं, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है।
तो ये हो गया दिस इज, ये हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। एंड याद रखना कुछ चीजें क्वेश्चन एग्जाम में आती है, इज ओम्स लॉ अ यूनिवर्सल लॉ, आंसर इज नो। देखो यूनिवर्सल चीज मतलब ऐसी होती है तो ब्रह्मांड में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ओम्स लॉ यूनिवर्सल, देखो ये डेफिनेशंस तो पहले भी पढ़ के रखा है लेकिन कुछ कुछ अलग अलग बातें हैं जो ट्वेल्थ में आती हैं, तो हमें वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्या क्या चीजें आती है। देखो पहला, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ, आंसर इज नो। क्यों यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है? बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। और क्या होता है? और ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ कि जैसे कॉपर है तो कॉपर के लिए वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है, लेकिन वो जो होता है स्मॉल रेंज ऑफ, जैसे कि अगर मैंने ग्राफ दिखाऊंगा अगर मैं आगे जा करके, तो 50 केल्विन पे वी प्रोपोर्शनल टू आई नहीं होता कॉपर के लिए, वो सिर्फ रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक है। और सबके लिए तो होता ही नहीं है, कुछ सब्सटेंस के लिए भी होता है, उनके लिए भी छोटे छोटे से रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए होगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है, ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना, इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, एज इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर्स, दैट ऑल्सो फॉर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, अराउंड ऑल्सो फॉर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर बोल सकते हो, या ये नहीं भी लिखो ना, अगर ओनली फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, ये पॉइंट एक बार के लिए छोड़ भी तो चलेगा, ठीक है, वो काफी। इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। सेकेंड पॉइंट क्या ले सकता हूं मैं इसके लिए? याद रखता V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये ओम्स लॉ नहीं है, ठीक है, ये जो होता है ना, दिस इज अ कैलकुलेशन फॉर द ओम्स लॉ। पता कितनी बार बच्चे क्या आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा राइट डाउन ओम्स लॉ, तो बच्चे V इक्वल टू आई आर लिख करके आ जाते हैं, वो गलत है, ठीक है। V इक्वल टू आई आर इज कैलकुलेशन फॉर द ओम्स लॉ। दूसरा पॉइंट याद रखना, इज कैलकुलेशन फॉर, एक मिनट, हेलो, हाँ जी सर, ओम्स लॉ, ठीक है, ठीक है, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। ओम्स लॉ हमेशा नहीं हो सकता है, लेकिन वी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला हर जगह लग सकता है। मान लो किसी का कभी कोई रेजिस्टेंस चेंज भी कर रहा है, तो उस समय क्या वोल्टेज होगा उसका हम निकाल सकते हैं, करंट क्या होगा वो सब निकाल सकते हैं। इतना नोट कर जाओ पहले,
और ओम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। अभी समझना, जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो दो तरह के हो सकते हैं। एक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, और एक हो जाता है हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस वो होता है जो कि अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट रेजिस्टेंस वो होता है जो कि हमेशा सेम रहता है, ठीक है। जैसे V अपॉन I इक्वल टू R, यहाँ पे जो R है ना, ठीक है, अगर ये सेम है और मेटल्स, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आर कैसा रहता है उसके लिए सेम रहता है, बदलता नहीं है। मेटल्स के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ाएगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ाएगा, ठीक है। तो आर रेशियो हमेशा सेम रहता है इसका, तो वो जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। लेकिन इफ आर वेरीज वोल्टेज, देन इट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस वैरी करता है तो हम बोलते हैं कि वो डायनेमिक रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस सेम रहता है टाइम के साथ तो हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे देखो तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पता है, जो ग्राफ है ना काफी बार बनाने के लिए आ चुका है एग्जाम में। कैसे ग्राफ आए देखो, पहला वी आई ग्राफ ड्रॉ करो फॉर मेटल्स, ठीक है। देखो मेटल्स के लिए वी अपॉन आई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है वी अपॉन आई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। ये रखा मैंने V, ये रखा मैंने करंट, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो वी अपॉन आई होता है ना, थोड़ा सा जा करके आगे जा करके ये एनसीईआरटी की बुक अगर फॉलो करोगे ना तो वहां पे लिखा ऐसा थोड़ा सा, थोड़ा सा डिबेट कर जाता है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना, इसको ना एनसीईआरटी में लोगों ने डॉट से दिखाया, ठीक है। हल्का सा जाकर के आगे जाकर के ये डिबेट कर जाता है इस तरह से। अदरवाइज ये मतलब अगर वोल्टेज बढ़ा रहे ना, ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होता है, जो करंट होती है ना वो प्रोपोर्शनल है। देखो वोल्टेज बढ़ाया 10, करंट बढ़ी 10, वोल्टेज बढ़ाया 10, करंट बढ़ा 10, ऐसे करके बढ़ा 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 और लास्ट में जाकर के जो होता है हल्का सा फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज ये डिविएट कर जाता है, ठीक है। ऐसा this is for this graph, ठीक है, for metals हो गया। for metals मतलब क्या हो गया, good conductors हो गया। metals से अच्छा good conductors बढ़ गया। इसको note कर दो सबको। सर ये टेढ़ा है क्या? नहीं, हल्का सा ये क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, high voltage पे जाके टेढ़ा हो जाता है वो, हल्का सा।
देखो दुनिया में क्या कोई भी चीज परफेक्ट ही होती है, वी बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा वी बढ़ाएंगे आई बढ़ेगा, और फॉर ए पर्टिकुलर वोल्टेज तो हल्का सा वो डिविएट कर जाता है, ठीक है ऐसा। याद रखना कि ये परफेक्ट ग्राफ डॉटेड परफेक्ट ग्राफ सीधा होता, हल्का सा क्या होता डिविएशन होता है। सेकंड, अभी देखना ये वाला एक ग्राफ होता है जो कि ये वाला ग्राफ इस तरह से होता है, ये किसके लिए है? मैं नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ कर देता हूं। ये करंट है, ये वोल्टेज है। अब जनरली आगे जाकर के हम सीखेंगे ये डायोड्स के लिए होता है, ठीक है। डायोड्स पे क्या, डायोड सेमीकंडक्टर टाइप के होते हैं, उसमें क्या होता है अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे ना तो करंट शुरू में तो सेम रहता है, ठीक है, और अचानक से क्या होता है फॉर एक पर्टिकुलर वोल्टेज क्रॉस करने के बाद करंट जो होता है बढ़ना चालू कर देता है, ऐसे करता है, ठीक है। अगर हमने बैटरी को उल्टा कर दिया, ठीक है, वोल्टेज का हमने जैसे मान लो पहले प्लस ऐसे था यहाँ पे डिवाइस, बैटरी को हमने उल्टा कर दिया, माइनस को इधर कर दिया प्लस को उधर कर दिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। ये ग्राफ की हेडिंग है वीआई ग्राफ फॉर डायोड्स, ठीक है। हालांकि ये ग्राफ देखो इसमें क्या होता है, वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे, नेगेटिव वोल्टेज अगर बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, बाद में वो क्या होता है सैचुरेट कर जाता है, फिर करंट बढ़ना बंद हो जाता है। ये ग्राफ तुम्हें ग्राफ खाली बस शक्ल याद करता, ठीक है, बिकॉज मेरे को क्या ये ग्राफ उम्मीद कम है कि अभी बोर्ड एग्जाम में तो एनसीईआरटी में दिया हुआ तो बता रहा हूं मैं, अदरवाइज इस टर्म में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा थर्ड टर्म में आएगा, जब सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा ना तो पूरी उसकी वहां पे एक्सप्लेनेशन है, लगभग आधे घंटे की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये एक बात खाली बस ग्राफ का शेप याद रख लो, ठीक है, और कुछ खास नहीं कि वोल्टेज बढ़ाने पर क्या करंट कॉन्स्टेंट रहता है शुरू में तो फिर अचानक से बढ़ने लगता है, और इसपे देखो ऐसे देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर पूछा जाएगा हो सकता है देखो एग्जाम में कैसा आ जाए क्वेश्चन, ये ग्राफ बना दे और पूछा जाए ऐसे कि डज द सब्सटेंस हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस और ए डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली बता डायनेमिक रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने वोल्टेज को चेंज किया यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो वोल्टेज को हमने चेंज किया तो वोल्टेज में तो चेंज हुआ डेल्टा भी, लेकिन करंट में कितना चेंज हुआ, करंट तो जीरो के जीरो है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है इन्फिनिटी, ऐसा हो सकता है एग्जाम में ग्राफ दे करके ना पूछ ले कि बताओ यहाँ पे कैसा है। अभी उसके बाद ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हेन डज ये ऐसा शेप दे देगा ओ ए बी, व्हेन डज दिस एलिमेंट फॉलो ओम्स लॉ, तो यहाँ पे हमारे पास ओ से ए पे तो फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन ए टू बी तो फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है लगभग, देखो यहाँ पे, ठीक है ऐसा, ठीक है। अब ऐसा ऐसा यहाँ पे ग्राफ बना दे, ठीक है, सुना कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे एग्जाम में, ऐसा ग्राफ बना के दे देंगे वो लोग और ऐसे करके, ठीक है, यहां बोल देगा कि ओ से लेकर के सी, सी से लेकर के डी, ऐसा पूछ लेंगे वो लोग कि बताओ सी से लेके डी में ये जो लाइन है ना ऑलमोस्ट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो बताओ सी से लेके डी में रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम देखें रेजिस्टेंस यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज तो चेंज हो रहा है, ठीक है, इन करंट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है ना, सॉरी हाँ यहाँ पे करंट का चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वी करंट अगर चेंज नहीं हो रहा है, करंट देखो तो ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है ना, देखो तो पैरेलल लग रहा है तो डेल्टा जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो लोग सवाल पूछ सकते हैं
ग्राफ का ऐसा शेप क्यों है वो कारण नहीं पूछेंगे, लेकिन ग्राफ से वो लोग रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? सबको क्लियर हो गया ये वाला ग्राफ? ठीक है। उसके बाद तो यहां पर देखना एक चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं ना, ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो हर के, हमने क्या टेंथ में खाली यही सीखा था कि ओम्स लॉ था वी इक्वल्स टू आई आर, आर हमेशा सेम होता है। अरे भाई आर सेम होगा कंडक्टर्स के लिए जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन कंडक्टर्स के अलावा बाकी सब्सटेंस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर भले सेम हो फिर भी रेजिस्टेंस बदल सकता है विथ चेंज इन वोल्टेज एंड विथ चेंज इन करेंट। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज करेंगे तो रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, और वो जो सब्सटेंस होते हैं जिसके साथ वोल्टेज के साथ जिसके साथ रेजिस्टेंस बदलते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंस ऐसा। ठीक है, और जो फॉलो करते हो ओम्स लॉ को उसको ओमिक बोलते हैं, जो नहीं फॉलो करते उसको नॉन ओमिक बोलते हैं। एक ग्राफ और दिया गया बुक में हमारे, इसमें भी पता है बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका हुआ है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता भी रहा हूं, देखो इस पे ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया, ये था वी आई ग्राफ, इन लोगों ने दे दिया बोर्ड एग्जाम में वी आई ग्राफ फॉर गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड ये करंट है ये वोल्टेज है। इसमें क्या देखा गया कि पहले वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा गया, देखो ये एग्जाम में ना ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जनरली नहीं आता। ठीक है, ग्राफ वो लोग ड्रॉ करके देते हैं। ठीक है, हमें ग्राफ का मीनिंग समझ में आना चाहिए। उसके बाद ये ऐसा यहां पे शेप बना होगा, ठीक है, उसके बाद फिर वो ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, और फिर वो ग्राफ यहां पे आकर के एंड कर जाता है। ठीक है, तो वो ग्राफ देख के घबराना नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारा ग्राफ एग्जाम में ड्रॉ करने नहीं आता है। ठीक है, अगर आ भी जाते एक बार उसको दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ पे पूछा गया ना कि ऐसे करके लेबल कर देगा ओ ए बी सी, तो सबसे पहला पूछा गया क्वेश्चन कि बताओ कि करंट वर्सेस वोल्टेज लीनियर रिलेशनशिप कहां पर है। तो लीनियर रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये लीनियर हो गया। फिर पूछा जाएगा कि ए टू बी में क्या वोल्टेज और करंट का ग्राफ जो है वो लीनियर है, तो ऑब्वियस ही बात है नॉन लीनियर है ये, तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो कर्व जा रहा ना ये तो। ठीक है, ये ऐसे कर्व जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये पूछा जाएगा कि बी टू सी में रेजिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस हो जाता है चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट, हमेशा याद रखना ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। तो चेंज इन वोल्टेज यहां से देखो पॉजिटिव हुआ, वोल्टेज बढ़ा ना, लेकिन करंट तो देखो ध्यान से करंट ज्यादा है, करंट कम हो गया। ठीक है, करंट ज्यादा से कम हो गया तो मतलब चेंज इन करंट कैसा है, ये कम है ये ज्यादा है, तो नेगेटिव हो जाएगा चेंज इन करंट ना, तो नेगेटिव हो गया। मतलब बीसी वाले पार्ट में जो रेजिस्टेंस है ये कैसा, यहाँ पे बी से सी पार्ट में कैसा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस इन बीसी पार्ट। ठीक है, तो ये ग्राफ को नोट कर लो, और ये जो मैंने लेबल किया है ना वो चीज ध्यान से रखनी है। एंड दिस सेम टू सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम,
ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना है। स्कूल एग्जाम में पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये बोल रहा हूँ कि गैलियम आर्सेनाइड के लिए वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ता है, देखो लीनियर ग्राफ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर और एक लिमिट के बाद वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो फिर वो वोल्टेज के साथ जो करंट होता है ना वो लीनियरली नहीं बढ़ता है, नॉन लीनियरली बढ़ता है, कैसे कर्व जा रही है, ठीक है। फिर अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते ना तो फिर करंट घटने लगता है उल्टे, ठीक है, तो करंट घटेगा ना तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें क्या होगा, एग्जाम में ऐसे ग्राफ बना के दे देंगे, ठीक है, ऐसे करके और बोल देंगे कि बताओ O टू A में, O A टू B में, B टू C में कैसा है, O टू क्या लीनियर रिलेशन कहाँ फॉलो हो रहा है, लिख क्या हो गया O टू B में, नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ पे है, B टू C में, ठीक है, क्या ओम्स लॉ भी हो रहा है ए टू बी में, आंसर इज नो, ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। और याद रखना वी जहां पे लीनियर रिलेशन होता है, ठीक है, वहीं पर क्या ओबे होता है, ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ होने के लिए वोल्टेज और वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वोल्टेज के साथ अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तभी ओम्स लॉ ओबे होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी तो हमने पूरे पढ़ी लिया, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, एम बाय एन स्क्वायर टाउ था। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल के ना, एक बार अगर तुम्हारे पास ना एनसीईआरटी की बुक है ना, ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक को थोड़ा सा फॉलो करना, ठीक है, और ना वहां पे अलग अलग एलिमेंट्स की ना रेजिस्टिविटी लिखी हुई है, ठीक है। जैसे एक टेबल में सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 एट 0 डिग्री सेल्सियस, और कॉपर की होती है 1.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 एट 0 डिग्री सेल्सियस। यूनिट क्या है इसका, ओम मीटर है सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए, तो देख सकते हो अगर पूछा जाएगा कि कौन सा बेटर कंडक्टर है तो हम देख रहे हैं कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, कम होती है, कॉपर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम होगी तो हम बोलेंगे सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर, ठीक है, ऐसा। उसके ही बाजू में ना, ठीक है, सिल्वर एल्यूमिनियम की लिखी गई है 2.7, टंगस्टन की 5.6 है, ठीक है, एल्यूमिनियम की कितनी है और टंगस्टन की है, आयरन की है, प्लैटिनम की है, ठीक है, सबकी लिखी गई है 2.7, 5.6, आयरन की लिखी गई है 10, प्लैटिनम की 11, तो याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमको क्या दिखाता है, कैसे देखो, कैसे अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो जैसे जैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है एंड दैट बिकम्स अ पुअर कंडक्टर ना, आयरन इज मच पुअर कंडक्टर कंपेयर टू एल्यूमिनियम, देख सकते हो, है ना, आयरन की 10 × 10⁻¹ होती है ऐसा। अच्छा, एक रेजिस्टिविटी के साथ ना एक लिखा गया है
टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो क्या लिखा गया है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे टेम्परेचर कोफिशियंट अगर देखा जाए तो सिल्वर का होता 0.0041, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, देखो पहले टेम्परेचर कोफिशियंट और रेजिस्टिविटी का मतलब हो जाता है, देखो याद है हमने पढ़ के रखा था कि एक पढ़ा था हमने एक्सपेंशन में चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी, याद है हीट चैप्टर में पढ़ा था क्लास 11 में, याद है कि नहीं याद है ये सब फॉर्मूला, है ना, तुम लोग को याद है अपनी याशिका तन्मय जेसिका? यस सर, है ना। ये अल्फा क्या था, अल्फा था डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी, है ना। तो देखो अगर चलो बहुत बढ़िया, अब अगर अल्फा था डेल्टा एल, देखो अगर मान लो कोई दो मेटल है, ठीक है, जिसके लिए अल्फा ज्यादा होगा, ठीक है, दो मेटल है दोनों की सेम लेंथ है सेम राइजिंग टेम्परेचर है, तो जिसके लिए अल्फा ज्यादा था उसका जो इंक्रीज इन लेंथ होता था वो ज्यादा होता था। दो दो रॉड है सेम लेंथ की, दोनों में सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर है, तो जिसके लिए अल्फा ज्यादा होगा उसका इंक्रीमेंट इन लेंथ भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। जैसे वहां पे था कोफिशियंट, इसको कहते थे कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। यहां पे एक वर्ड आता है टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है, सेम चीज यहां पे लगेगा, डेल्टा रो इक्वल टू रो अल्फा डेल्टा, अल्फा क्या हो जाएगा डेल्टा रो बाय रो डेल्टा टी। ये ना एक्चुअली बहुत स्मॉल चेंज के लिए होता है, तो बेटर क्या होता है हम ना इसको लिखते हैं डी रो लिखते हैं, डी रो मतलब स्मॉल चेंज। तो यहां पर देखो ये जो है ना इसका भी सिंबल वैसे अल्फा ही होता है, तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लो दो मेटल है, ठीक है, और एक मेटल के लिए हम देखते हैं कि अल्फा जो है एक मेटल के लिए हमने देखा कि जो अल्फा आता है वो ज्यादा आता है, ठीक है, तो और दूसरे मेटल के लिए क्या देखा हमने कि जो अल्फा आता है वो कम आता है, तो जिसके लिए अल्फा ज्यादा है उसके लिए जो चेंज इन रेजिस्टिविटी होगी ना वो ज्यादा होगी, जिसके लिए अल्फा कम होगा उसके लिए चेंज इन रेजिस्टिविटी कैसी होगी, कम होगी। तो यहां पर अगर देखा जाए सिल्वर की सिल्वर के लिए अल्फा इतना होता है, अगर मैं बात करूं उसके बाद ये वैल्यू अगर कोई लिस्ट में देखोगे ना, ये पेज नंबर है 102, उसको जरूर से रेफर करना, ठीक है, एनसीईआरटी का। जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो पीडीएफ से देख जाना, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना नाइक्रोम के लिए देखा जाए तो सबसे कम, देखो कॉपर के लिए 0.0068 है, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए 0.0043 है, लेकिन देखा जाए अगर नाइक्रोम के लिए ये वैल्यू कितनी होती है 0.0004, मैंगनीन के लिए ये वैल्यू कितनी होती है 0.002 इंटू 10^-, और कितनी छोटी होगी, देखो कितनी छोटी होगी, मतलब इसका मतलब क्या समझ लो, देखो इस हमने सिल्वर का टेम्परेचर बढ़ाया ना अगर, ठीक है, तो इसका 1°C है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टिविटी कितना चेंज करेगा 0.0041 से चेंज करेगा, नाइक्रोम का कितना चेंज करेगा 0.004, ये नंबर
देखो कितना छोटा है इसके सामने, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 जीरो, मतलब नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी सिल्वर की रेजिस्टिविटी से ऑलमोस्ट 10 times लेस होती है, ठीक है। और मैंगनीन की रेजिस्टिविटी देखी जाए ना अगर, तब तो देखो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10^-3 है, तो 1, 2, 3 जीरो और लगा दो, और देखो मैंगनीन की रेजिस्टिविटी कितनी कम हो गई इन कंपैरिजन टू सिल्वर, सिल्वर और नाइक्रोम से भी कम है। तो अगर हमने नाइक्रोम का टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी रेजिस्टिविटी उतना चाहिए नहीं आता है, मैंगनीन का हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी रेजिस्टिविटी में और भी छोटा सा चेंज आता है, बहुत छोटा सा चेंज आता है। तो पता है ये जो मटेरियल्स होता है ना नाइक्रोम और मैंगनीन, इनके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल भाषा में कि उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना अगर हम, तो उसकी रेजिस्टिविटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। इसीलिए हमारे पास जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट होता है और पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट होता है, तो वहां पे क्या होता है जैसे जैसे हम उसको यूज करते हैं ना, तो समय के साथ वायर गर्म हो जाती है जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और हमारे को प्रॉपर टेम्परेचर, हमको प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। कभी कभी हमको बोला जाएगा कि ये वायर दी जाएगी लैब में, बोला जाएगा इसका रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, या इसकी रेजिस्टिविटी निकालो, तुमने रेजिस्टिविटी निकाला, ठीक है, बाद में एग्जाम नहीं आता चेक करने के लिए, फिर से उससे भी निकाल करके देखा तो बोलेगा इसकी रेजिस्टिविटी तो ज्यादा आ रही है, ठीक है। क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है? क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अगर कॉपर वायर अगर हमको मिल जाएगा चेक करने के लिए तो हमारा रीडिंग सही नहीं आएगा, ठीक है, एक बार कुछ आएगा, आधे घंटे बाद उसी वायर को यूज करते रहेंगे रेजिस्टिविटी ज्यादा आएगी, क्योंकि कॉपर की वायर बदलती है। इसलिए जब भी रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया जाता है हमें कौन सी वायर दी जाती है, नाइक्रोम की दी जाती है, नहीं तो मैंगनीन। हमारी जो वायर जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर जो वायर होती है वो किसकी बनी होती है, मैंगनीन की बनी होती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको नोट कर लेना एक चीज। ना ऐसे मीटर पे मैंगनीन एंड नाइक्रोम रेजिस्टिविटी आर रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर। They are therefore used in lab materials like wire of meter bridge, potentiometer, ठीक है। इसको नोट कर दो। आज ना हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है, आगे ना मैं नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। कल टेस्ट है कैपेसिटर्स की, ठीक है, तो ये वाला वो दूसरा पेपर भी मैंने ऑलमोस्ट काफी सारे चेक करके मार्क्स लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं भेज दूंगा। इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ जाना, कैपेसिटर्स आज अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल टेस्ट नॉर्मल क्लास के टाइम पे ही होगी। एक बार टाइम इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना।